तो फाइनली दोस्तों हम कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी त्रैमासिक परीक्षा के लिए कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करना है और कैसे जो है आप कम समय में तैयारी कर सकते हैं मात्र 1 घंटे में। और अभी तक आपने यदि कुछ भी तैयारी नहीं की है तो आप कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय इंग्लिश के पेपर में आप पास कैसे हो सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, तो आपको वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे 5 अंक में एक अनसीन पैसेज पूछी जाएगी और इस अनसीन पैसेज में जो है जो आपको 5 ऑब्जेक्ट टाइप इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे और इनके आंसर आपको इसी अनसीन पैसेज में मिल जाएंगे। तो सभी जिलों में जो है पेपर अलग अलग बनाए जा रहे हैं, इसलिए सभी का पेपर अलग अलग आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से अनसीन पैसेज पूछी जाएगी, यहाँ पर इस प्रकार से 5 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनके आंसर आपको इसी में से आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपको सेकेंड अनसीन पैसेज जो पूछी जाती है, यह भी आपसे जो है 5 अंक में इस प्रकार से पूछी जाएगी। इस प्रकार से 5 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके आंसर आप यदि आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यदि हम बात करें नोट्स मेकिंग समथिंग, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली मेक नोट्स एंड सुटेबल टाइटल। तो सबसे पहले जो टाइटल होता है, टाइटल शुरुआत के 2 या 3 शब्द होते हैं, सक्सेस इन योर लाइफ जी आपका क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा। नोट्स आपको कैसे बनाना है, तो आप हेडिंग डालेंगे नोट्स और आपको कम से कम 6 या 7 पॉइंट इस प्रकार से आपको बनाकर लिखना है। जैसे हमने एक लाइन इसको लिखा, इसके बाद हमने इसको लिखा, तो कम से कम आप इसी अनसीन पैसेज में से देख कर आप 6 या 7 लाइनें लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, वही आपके क्या हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको आसानी से, या जो है 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 अंक आपका नोट्स हो सॉरी टाइटल होता है और 3 अंक में आपके नोट्स होते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ध्यान रखना है कि जो टाइटल है शुरुआत के 2 या 3 शब्द होते हैं और नोट्स में आपको 6 या 7 लाइनें में इसमें से देख कर आपको लिखना है। इस प्रकार से आपके 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार से यदि आपसे सरल सी एप्लीकेशन पूछी जाएगी, तो इनलेस की आपसे 3 डेज लीव की आपको छुट्टी के लिए 3 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्राचार्य को एक एप्लीकेशन लिखने को कहा जाएगा, तो इसको आप तैयार करें त्रैमासिक परीक्षा में यह पूछी जाएगी, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में 4 अंक में पूछी जाती है, तो इसको आप तैयार करते जाइए। और यदि हम लेटर की बात करें जो अथवा में पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 की अथवा में, तो सिस्टर ब्रदर मैरिज का लेटर पूछा जाता है, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अच्छे से पढ़कर जाइए, इस प्रकार से लेटर दिया गया है। या फिर आप एप्लीकेशन में तैयार कर सकते हैं SLC की स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन दी गई है, तो इन तीनों को आपको अच्छे से तैयार करके जाना, बहुत ही सरल तरीके से लिखी गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको निबंध तैयार करना है वंडर ऑफ साइंस का। सबसे पहले आप कुछ इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बहुत ही सरल तरीके से लिखा गया है, आपको बहुत ही कम समय में याद हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद साइंटिफिक इन्वेंशन कुछ इस प्रकार से सेकंड पॉइंट हो जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट कंप्यूटर हो जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है आप कंक्लूजन कुछ इस प्रकार से, जो कि 4 अंक में क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जाता है ऐसे, तो वंडर ऑफ साइंस का आप अच्छे से तैयार कर। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 में एक पैराग्राफ पूछा जाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, द इम्पोर्टेंस जो इंग्लिश का दिया गया, इसको आप अच्छे से तैयार करें, जो कि 3 अंक में पूछा जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अच्छे से तैयार कर सकते। या फिर इस प्रकार से पूछा जाएगा कि एक आपको पिक्चर दी जाएगी, इस फोटो को देख कर आप ब्यूटी ऑफ नेचर पर आपको एक पैराग्राफ बनाने को कहा जाएगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में जो है फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, जो कि आपको 6 या 7 दिए जाएंगे और आपको एनी 5 करने होंगे, जो कि 5 अंक में पूछे जाते हैं, तो अशोका वाज वन ग्रेटिंग किंग ऑफ इंडिया, तो आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, जैसे आर्टिकल दिया गया तो यहाँ पर द आर्टिकल इसका राइट आंसर होगा, पीछे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे एन द, तो द आप भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो दिए गए हैं इनको आप अच्छे से पढ़ते जाइए, जैसे दिया गया है विल यू प्लीज गिव मी मनी, तो यहाँ पर यह सम और एनी का प्रयोग, पीछे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे सम और एनी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम भरेंगे आप इसमें, पीछे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे सम और एनी, तो आप इसमें कौन सा टिक लगाएंगे, सम इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ से आपको इनको तैयार करना है कि देयर इज हार्डली राइस लेफ्ट, तो यहाँ पर इसमें भी आपको सम और एनी दिया जाएगा, तो आप इसमें क्या भरेंगे, एनी भरेंगे। इसके बाद आगे दिया गया ही गेव मी खालिस्तान मनी, सम और एनी में से आप क्या भरेंगे, सम भरेंगे इसमें, तो सम और एनी का 1 पूछा जाएगा। इसके बाद लास्ट नाइट खालिस्तान थीप्स एंटर द हाउस, तो यहाँ पर इसमें आप जो भरेंगे सम और एनी में से आप क्या भरेंगे,
सम भरेंगे। क्या भरेंगे? सम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, दे फुटबॉल इन द इवनिंग। तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर आप लगाएंगे, प्ले इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है कि ही सेड दैट आई खालिस्तान स्टे विथ हिम, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, मे माइट में से आप क्या भरेंगे, माइट भरेंगे। इस प्रकार से आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर जैसे एक्सरसाइज दी गई है, माई फादर इज होनेस्ट मैन, तो आर्टिकल में से पूछे गए हैं, तो यहाँ पर इसमें एन आर्टिकल आप राइट आंसर टिक लगाएंगे। इसके बाद दिया गया है यहाँ पर कि माई ब्रदर इज एस डी ओ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन एस डी ओ आ जाएगा, एन आर्टिकल इसका राइट आंसर होगा। तो फटाफट आप तैयार करते जाइए। इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं कि ही एज खालिस्तान वन रुपी नोट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ वन रुपी नोट होगा, आर्टिकल होगा, हिज फादर इज एम पी, तो यहाँ पर आप इसमें से ए एन दामे से कौन सा भरेंगे, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का एन आर्टिकल इसका राइट आंसर होगा, इसका ए हो जाएगा और इसका एन आर्टिकल होगा। इस प्रकार से आपको तैयार करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया कि हिज खालिस्तान एम एल ए, तो आप क्या भरेंगे, एन एम एल ए भरेंगे। यहाँ पर विल यू प्लीज़ गिव मी, तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, सम भरेंगे। क्या भरेंगे, सम, सम और एनी में से सम राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में 5 अंक में फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है डूएज डायरेक्टेड पूछे जाएंगे। डूएज डायरेक्टेड में से आपको कौन कौन से तैयार करना है, सबसे पहले आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रागेटिव सेंटेंस तैयार करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप चाहें तो सबसे पहले इफ़ और अनलेस से आप प्रयोग कर सकते हैं। रीराइट सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट, इट से आपको प्रयोग करना है कुछ इस प्रकार से। और यहाँ से आप इन सभी को तैयार कर सकते हैं, सिंस और इफ़ और अनलेस का प्रयोग दिया गया है, हु से वाक्य को दिया गया है, और यहाँ पर एक आपसे जो है रीअरेंज सेंटेंस पूछा जाएगा। इस प्रकार से इस तरफ जो है इनके आंसर दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको इंट्रागेटिव सेंटेंस एक पूछा जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे दिएगा जिसमें से आप इसको और इसको तैयार कर सकते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस अर्थात आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाए, इनके नीचे आंसर दिए गए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद एक आपसे टेंस चेंज पूछा जाएगा, किसी भी टेंस को आपको चेंज करना होगा, जैसे पहले दूसरे का आंसर दिया गया, इस प्रकार से टेंस चेंज आपसे पूछे जाएंगे। पीछे भी इनके आंसर दिए गए, इनको आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपसे और भी पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है आपसे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस प्रकार से इनको आप देख सकते हैं और इनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इस प्रकार से दिएगा, शुरुआत के आप इतनी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से दिएगा, इनका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इनके आंसर इनके सामने दिए गए हैं, जैसे पहले का जो आंसर होगा, लेंचो रोट अ लेटर, तो किसके लिए लिखा था, पोस्ट मास्टर के लिए। व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रुक्स हो जाएगा। तीसरे का जो आंसर हो जाएगा, इट मेड हिम, यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। व्हाट इज आइस इज सिम्बॉल, तो यहाँ पर किसका प्रतीक होता है, यहाँ पर तो हेटेड का होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से यदि आप इसका राइट आंसर लगाएंगे, तो हाइएस्ट ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा पाँचवें का, छठवें का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पर आप लगाएंगे टिक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा। इस प्रकार से इनके सभी के आंसर, आठवें का डी नंबर को ऑप्शन होगा, नौवें का जो आंसर होगा टू पाथ्स हो जाएंगे। इसके बाद दसवें का जो आंसर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर ही वॉज अलॉन हो जाएगा, और यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा स्टैंडली हो जाएगा। इस प्रकार से इनको आपको पढ़कर जाना जी, आपके क्वेश्चन नंबर 9 में जो है 4 अंक में पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 का जो ए नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से 3 अंक में आपसे एक अनसीन पैसेज दी जाएगी। इस प्रकार से इसको आप पढ़ सकते हैं, और पीछे आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे जिनके आंसर दिए गए, पहले का आंसर दूसरे नंबर का ऑप्शन होगा, दूसरे का तीसरा होगा, और सी नंबर के ऑप्शन का आंसर होगा 100 पैसेज। और इसको भी आप पढ़ सकते हैं। यह जो है आपके क्वेश्चन नंबर 10 के बी नंबर के क्वेश्चन में एक्सटेट पोएम पूछे जाएंगे, आपको 3 या 4 लाइनें कविता की दी जाएंगी, और 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले का आंसर यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, डिप्रेसिव हो जाएगा। दूसरे का आंसर यदि आप टिक लगाएंगे, तो ऑन हेमलॉक ट्री हो जाएगा, और तीसरे का आंसर डस्ट ऑफ स्नो हो जाएगा।
इसके बाद आप इसको भी तैयार कर सकते हैं जो पोयम दी गई है, फायर एंड आइस की इम्पोर्टेंट है। पहले का आंसर होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट होगा, दूसरे का आंसर यदि आप टिक लगाएंगे तो इसमें से फायर एंड आइस होगा, तीसरे का आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है हम आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट आप देखते जाइए। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, इस प्रकार से आंसर दिया गया, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर होगा, आप तैयार करते जाइए। यहाँ से आपको तैयार करना है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड हु हैड सेंड द मनी, इस प्रकार से आंसर दिया गया, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। यहाँ से आपको इसको तैयार करना है, इस तरफ इसका आंसर दिया गया है, तो इस प्रकार से आंसर है। यहाँ से आपको इसको तैयार करना है कि व्हाय वेयर टू नेशनल एंथम संग, दो राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर होगा। इसको आपको तैयार करना है, इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो आप फटाफट सभी प्रश्नों को तैयार करते जाइए। इसके बाद यहाँ से जो है आपको इसको तैयार करना है, इस प्रकार से आंसर दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको इसको तैयार करना है, यहाँ आंसर दिया गया है। इसके बाद यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि व्हाई डज एनी वन टू कीप अ डायरी, इस प्रकार से यहाँ पीछे आंसर दिया है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक तैयार करेंगे। इसके बाद जो है आपको और क्वेश्चन को भी तैयार करना है, तो यहाँ से जो है आपको इसके बाद यहाँ से इन क्वेश्चन को तैयार करना है। जैसे आप इसको तैयार कर सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आप अच्छे से तैयार। इसके बाद जो सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा तीन अंक में, राइट द थीम ऑफ द पोयम आर टाइगर इन द जू, या फिर आप सेंट्रल आइडिया भी कह सकते हैं, इसको आप तैयार करें। इसके बाद तीन अंक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करें। इसके बाद यहाँ से आपको इसको तैयार करना है। तो इतने क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लेते हो तो आप आसानी से जो है 75 में से 40 और 50 अंक आप ला सकते हैं।